बॉलीवुड की बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने करणी सेना की धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल करणी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई पर बेस्ड एक्ट्रेस की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के रिलीज का विरोध किया है। उन्होंने निर्माताओं को धमकी दी कि अगर उन्हें फिल्म नहीं दिखाई गई, तो वो तोड़फोड़ करेंगे और मूवी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने देंगे। कंगना ने करणी सेना की धमकी का करारा जवाब देते हुए ये कहा कि वो किसी से डरने वाली नहीं है और बिना लड़े हिम्मत नहीं हारेंगी। कंगना ने कहा कि चार इतिहासकारों ने मणिकर्णिका देखी है, हमने सेंसर से सर्टिफिकेट भी लिया है, इस बारे में करणी सेना को भी बता दिया गया है, लेकिन वे लगातार मुझे हरास कर रहे हैं। अगर वे नहीं रुके तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि मैं भी राजपूत हूँ और उनमें से एक एक को नष्ट कर दूंगी। आपको बता दें कि मणिकर्णिका 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये पीरियड ड्रामा कंगना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मणिकर्णिका से कंगना बतौर डायरेक्टर भी डेब्यू कर रही है। उन्होंने डायरेक्टर क्रिश के NTR की बायोपिक में बिजी होने के बाद प्रोजेक्ट का निर्देशन खुद संभाला। शुरुआत से ही फिल्म विवादों में रही है। वहीं करणी सेना ने पिछले साल पद्मावत के रिलीज का भी विरोध किया था। करणी सेना का आरोप है कि मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई के ब्रिटिश अधिकारी के साथ कथित अफेयर दिखाए जाने से सेना नाराज है। संगठन का दावा है कि फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई को एक गाने पर डांस करते दिखाया गया है, जो राजपूतों की सभ्यता के खिलाफ है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत ने मणिकर्णिका पर कहा, कंगना रनौत की मणिकर्णिका का भी पद्मावत जैसा हाल होगा। हमने निर्माताओं से बात कर कहा है कि वे हमें रिलीज से पहले फिल्म दिखाएं। अगर वे हमें दिखाए बिना मूवी रिलीज कर देते हैं तो हम प्रॉपर्टी तोड़ेंगे और इसके उत्तरदायी हम नहीं होंगे।